गाइस ये रास्ता हमारा फोर मार्किंग हो जाता है यहाँ से। और ये देखिए आप मेरे लेफ्ट साइड में टल लेक, दूसरी नगर की जान कहलाई जाती है। गाइस ये है आई थिंक चश्मा शाही आपका। गाइस ये अपना एक गार्डन बनाया हुआ है यहाँ पे। फर्स्ट ग्लेशियर है और अभी सपने में भी नहीं सोचा था मैंने कि मैं भी कभी ऐसी जगह जाऊँगा। भैया ऊपर जाने के लिए रास्ता कैसे है? ये ग्लेशियर से ये जा सकते, बाइक जा सकती है अपनी? गाड़ी गिर गई यहाँ पे, पत्थर में टकरा गए और गिर गई गाड़ी यहाँ पर। तो गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूँ आपका भाई शानू। अभी हम हैं इस टाइम श्रीनगर के अंदर, तो आप देख ही सकते हैं सुबह के बज चुके हैं अभी 11। तो गाइस अभी हम लोग निकले हैं डल लेक से सीधा सोनमर्ग के लिए। और सोनमर्ग की जो दूरी होने वाली है वो डल लेक से मैक्सिमम 80 किलोमीटर के आसपास होने वाली है। तो गाइस अभी फाइनली हम लोग निकल चुके हैं डल लेक से सीधा सोनमर्ग के लिए। तो चलते हैं सोनमर्ग और दिखाते हैं आपको सोनमर्ग की खूबसूरती। गाइस देख सकते हैं डल लेक का जो 11 बजे का जो व्यू है वो अभी कुछ इस तरीके का है। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है अभी डल लेक का। और ये देखिए आप मेरे लेफ्ट साइड में डल लेक, जो श्रीनगर की जान कहलाई जाती है। ये डल लेक है आपकी पूरे फैली हुई 27 किलोमीटर के राउंड फिगर में ये पूरी फैली हुई है। और इसके अंदर आप हाउस बोटिंग भी कर सकते हैं। तो काफ़ी ब्यूटीफुल है ये लेक। और हम लोग अभी श्रीनगर से निकल चुके हैं। श्रीनगर में हम लोगों ने स्टे स्टार्ट किया था बट हम लोग अभी यहाँ पर नहीं रुक सकते हैं क्योंकि हम लोगों को भी लद्दाख के लिए निकलना है। तो लद्दाख हम लोग अभी हम जाएंगे सीधा सोनमार्ग। तो गाइस देख सकते हैं ये आपकी डल लेक है, बहुत ही प्यारी लेक है ये और काफ़ी बड़ी भी है, काफ़ी बड़े एरिया में फैली हुई भी है आपकी ये लेक। और देख सकते हैं सामने पहाड़ी है और ये एक मशीन चल रही है ये लेक को साफ़ करने के लिए। काफ़ी कचरा इकट्ठा हो चुका है लेक के अंदर। और वैसे तो पहलगांव से भी रास्ता गया हुआ है सोनमार्ग के लिए, सोनमार्ग के ऊपर पहलगांव है। और तो गाइस बढ़ते हैं अपने अगले सफर की ओर। हाँ गाइस हम लोग रात को यहाँ रुके थे, खाना अच्छा है ऐसा नहीं है कश्मीर के साथ, कश्मीर अपना श्रीनगर के अंदर। तो गाइस देख सकते हैं आगे से ये फिर स्टार्ट हो गई। तो गाइस एक जगह का नाम बताया था चश्मा शाही, वो आई थिंक इसे साइड में अंदर पड़ेगा चश्मा शाही। तो जगह अच्छी है वो बताई थी हम लोगों को, तो देख के आते हैं बर्फ को भी चश्मा शाही कैसा है, घूमने की जगह अच्छी है या नहीं है। तो गाइस ये है आई थिंक चश्मा शाही आपका अंदर, और यहाँ पर टिकट भी लगता है। आई थिंक गाइस ये अपना एक गार्डन बनाया हुआ है यहाँ पे, चश्मा शाही के नाम से गार्डन है अपना ये। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं हम एक रास्ते से, अभी तो यहाँ पर हम लोग अभी चाय पियेंगे और मैगी खाएंगे और देन उसके बाद में यहाँ से हम लोग निकलेंगे। तो गाइस अभी हम निकल चुके हैं यहाँ से, ब्रेकफास्ट कर लिया है हम लोगों ने। और ब्रेकफास्ट में हम लोगों ने लिए यहाँ पे चाय और मैगी और आपका ब्रेड पकौड़े। बट मैगी यहाँ काफ़ी कॉस्टली थी बट खैर कोई नहीं, लेकिन मैगी बहुत टेस्टी थी, मज़ा आ गया खा के, ऐसा लगा जैसे कि खाना खा लिया आपने। और अभी दोपहर के बज चुके हैं एक और सोनमार्ग पड़ेगा अभी यहाँ से 40 किलोमीटर भी हो रहा है यहाँ से सोनमार्ग। तो आप कितना प्यारा नज़ारा है यहाँ से, व्यू का बहुत ही आप ज़्यादा मज़ा ले सकते हैं। मेरे सामने तो पहाड़ है, राइट साइड में नदी चल रही है, सामने आपकी RP 80 RP खड़ी हुई है और रोड भी बहुत प्यारा है। तो श्रीनगर से लद्दाख के लिए जाएंगे तो आपको ऐसे छोटे छोटे गाँव बहुत सारे देखने को मिलेंगे आपको रोड पर। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं और अपना सोनमार्ग पहुंचने वाले हैं। और सोनमार्ग की यहाँ से दूरी है मात्र 9 किलोमीटर और आप देख सकते हैं क्या बेहतरीन नज़ारा है, क्या प्यारा व्यू है। और यहाँ पे राइट साइड में चल रही है यहाँ की वैली की नदी और आपका नज़ारा है। और आप एक चीज़ और ऊपर की साइड में देख सकते हो, ऊपर की साइड में आपको दिखेगा वहाँ पर सामने बर्फ़ के थोड़ा सा बर्फ़ है वहाँ पड़ा हुआ, बर्फ का ग्लेशियर है। और तो बहुत ही प्यारा लग रहा है वो यहाँ से। और राइट साइड में ये देख सकते हैं आप रिवर बह रहा है इसका
सोनमर्ग को जाते तक। और अभी आए हम पहुँच रहे तो देख सकते हैं अब तीन बाइकर्स हमारे आगे हैं, तो ये बाइकर्स भी शायद मेरे हिसाब से आप लद्दाख जा रहे होंगे, पहले सोनमर्ग जाएंगे, सोनमर्ग के बाद ये भी लद्दाख ही जाएंगे। और ये कहाँ की है, ये गाड़ियाँ हैं MH यानी कि महाराष्ट्र के बंदे हैं ये, महाराष्ट्र सपने में भी नहीं सोचा था मैंने कि मैं भी कभी ऐसी जगह जाऊंगा, ऐसी जगह जाके ऐसी जगह ब्लॉगिंग करूंगा, क्या करें नीचे वाले हैं ना तो क्या। सूखे पहाड़ है बिल्कुल ऊपर की साइड आप देखिए, सूखे पहाड़ है ना वो कुछ है पौधा पौधा है, लेकिन सब बहुत ही खतरनाक पहाड़ दिख रहे हैं यहाँ से। ये रास्ता हमारा सोनमर्ग के लिए जाता है यहाँ से, और शायद वो रास्ता लेफ्ट साइड वाला है वो आपका जाता है लेह लद्दाख के लिए। तो भाई देख सकते हैं ऊपर की साइड में काफी सारे ग्लेशियर्स दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर बर्फ पड़ी हुई है इस टाइम पर। और यहाँ का जो वेदर है वो बहुत ही प्यारा वेदर है, और यहाँ का वेदर कब चेंज हो जाए कुछ नहीं पता है, और यहाँ कभी भी बर्फ पड़ सकती है। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं सोनमर्ग, और देख सकते हैं सोनमर्ग का जो व्यू है सामने का वो कुछ इस तरीके का है। तो गाइस अभी हम लोग पता करते हैं यहाँ से जो ऊपर ग्लेशियर्स जाते हैं वहाँ का रास्ता, और पहुँचते हैं पहले सीधे ग्लेशियर्स और दिखाते हैं आपको खूबसूरत नज़ारे ग्लेशियर्स के। भैया ऊपर जाने के लिए रास्ता किधर से है? ग्लेशियर जाने के लिए बिना घोड़े के नहीं जा सकते? जा सकते हैं अपनी बुलेट से, अपनी गाड़ी से जा सकते हैं ना? किधर से रास्ता वैसे पता कर दीजिए, मैं आपको बताऊंगा सर। एक चीज बताएं, जो ग्लेशियर्स हैं ये जा सकते, बाइक जा सकती है अपनी? कितनी दूर तक जाएगा? सॉरी अच्छा, उसके बाद फिर पैदल जाना पड़ेगा? कितनी किलोमीटर की ट्रैकिंग है? 7 किलोमीटर, मतलब 7 किलोमीटर तक बाइक आपको छोड़ना पड़ेगा। तो गाइस बाइक भी नहीं जाएगी आगे, कन्फर्म कर ले हम लोगों ने, मैं यहाँ से आधा 1 किलोमीटर तक आप जा सकते हैं अपनी बाइक से, उसके बाद जो आपकी ट्रैकिंग है वो आपको पैदल ही करनी पड़ेगी 7 किलोमीटर की। अब देखते हैं कि 7 किलोमीटर की ट्रैकिंग हम लोग कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, तो ये तो आगे जाके पता चलेगा। और अगर घोड़े का है तो घोड़े कितने पैसे चार्ज करते हैं घोड़े के, पहले ट्रैकिंग करेंगे। ट्रैकिंग का एक एडवेंचर का एक अलग ही मजा है, घोड़े पर जाके क्या करते हैं। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं आपका सोनमर्ग, और सोनमर्ग का आपने रैली का तो नज़ारा आपने देख ही लिया है, बहुत ही प्यारी लोकेशन है यहाँ पर, बहुत ही प्यारा व्यू है, हर तरफ आपको पहाड़ ही मिलेंगे चीड़ के, और आपको देख सकते हैं ऊंचे ऊंचे चीड़ के पहाड़ भी हैं। और गाइस वो अभी यहाँ निकली हुई है, गर्मी है अभी है। अरे बाइक जा सकती है नहीं है सीधे? कहाँ तक हमारी गाड़ी जाती है, बुलेट हमारी पहुंच पाती है या नहीं पहुंच पाती है?
क्योंकि बुलेट मुझे लग नहीं रहा है कि आगे जा पाएगी, यही जगह है, यहाँ भी लास्ट हो पाएगा। तो गाइस इसके आगे हम लोग नहीं जा पाएंगे। अबे भाई मैक्सिम गाइस गाड़ी गिर गई यहाँ पे, नहीं जा पाएगी बाइक, नहीं जा पाएगी। टूटा तो नहीं, टूट जाता भी ऐसे लगा कि जरा चैंबर तो टूटा। साले खींची पीछे को, इसको फोन में लगा रहता है। सीधा कर पीछे ले, स्टैंड लगा। ओ भाई, तो गाइस पत्थर में टकरा गए और गिर गई गाड़ी यहाँ पर। तो गाइस ये आपका सोनमर्ग है और ये यहाँ देख सकते हैं क्या ब्यूटीफुल ऊपर की तरफ पूरा आसमान खुला है, बादल कितने प्यारे लग रहे हैं, आसमान जिम्मी को उतर के आ गए हैं।